हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की जीएस पॉइंटर बुक की, जिसमें यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर्स का क्वेश्चंस का एक तरीके से पॉइंटर्स के रूप में कलेक्शन दिया हुआ है, जिसको हमें बस याद करना है ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो तो हमारा गलत ना। ठीक है, आज हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वह है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है यूपीपीसीएस में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है पर्यावरण एक परिचय, एनवायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं। जैविक एवं अजैविक संघटनों के बीच बिचौलियों का कार्य कौन करता है? अपघटक या जिसको नियोजक भी बोलते हैं। ठीक है, मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है क्या वातावरण? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। बहुत बार पूछा गया। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या इको मार्क। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस 2021 में भी इस टाइप का शायद क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व पर्यावरण सुविधा, ठीक है, का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है जैव मंडल एवं बायोम, बायोस्फियर एंड बायोम। मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है फसली भूमि। ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है एक तरीके की, वो आर्टिफिशियल मैन मेड जीवों का एक उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमिका, मतलब इकोटोन। एक क्षेत्र के प्रोहर में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण क्या है? छेड़ता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। प्रति सत्ता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो बेसिक साइंस, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर। टॉपिक नंबर 3 पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन विधि के लिए। पर्यावरणीय कुछ नेट्स, अभी कुछ सालों पहले आया था, हाँ 2019 का क्वेश्चन ये। कुछ नेट्स वक्र पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका जो शेप है वो उल्टा यू कुछ इस टाइप का आता है। इकोसिस्टम के संबंध में सत्य है क्या उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है? ठीक है, तभी तो सर्वाइवल हो पा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटती है। ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब ट्रांसफर होती है तो क्या, हमने 10% रूल पढ़ा है, 10% रूल, तो 10% ही केवल अगले चरण में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, इसको बोलते हैं इकोटोन। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है उसको बोलते हैं सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? वो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरी महासागर। ये बहुत, हाँ ये यूपीपीसीएस में भी आया, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी मीन्स डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है ए जी टेंसले को। पारिस्थितिकी
पार्की निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत, मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि के, ठीक है, वेटलैंड। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यूकेलिप्टस, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एनवायरमेंट का टेररिस्ट बोला जाता है यूकेलिप्टस को। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है कौन सा है, यूकेलिप्टस है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, समुद्रिक, ठीक है, ओशन। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है क्या, पोषण स्तरों की कम होना, संख्या कम होना, ये मतलब कि जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक उष्ण, मतलब प्रवाल निरंजन का मतलब होता है क्लोरल, सॉरी कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है, वैश्विक उष्ण मतलब ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे जो सीज है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब सी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इनकी मतलब मरने लगते हैं हमारे कोरल्स। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से, यदि फॉसिल फ्यूल्स के लिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा था। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी सभी मितव्ययिता है, यह नारा किसका है, चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषण तत्वों के प्रचुर की प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। टॉपिक नंबर 4, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल। वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है वह है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, ठीक है, ये पीसीएस का क्वेश्चन मतलब है, तो वैसे ज्योग्राफी का इन्होंने यहाँ दे रखा है। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन सा है, हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है हमारा सौर ऊर्जा, ठीक है, सन। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव एवं अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है कौन, वियोजक। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ेगा। यदि DDT वगैरह हम डालते हैं ना, यदि उसको उस पूरी फूड चेन को देखोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे वो डिपॉजिट हो रही होगी, तो पहले जल पादप, उसके बाद फिर घोंगा, फिर घोंगे से मछली और फिर पक्षी। पक्षियों में सबसे ज्यादा इसका आपको कंसंट्रेशन मिलेगा DDT का। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं क्या, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं किसको, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को बोलते हैं, जो साइकिल चलती रहती है हमारी एलिमेंट्स की, उसको क्या बोला जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र। बायो जियो केमिकल साइकिल, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है पारिस्थितिकी तंत्र में वो हमेशा सीधा होता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, क्लोरेला। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, गैस जो धान के खेत से, जो हमारे धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के ताप में वृद्धि करती है वह मीथेन, ठीक है, तो हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं उस पर सबसे ज्यादा मीथेन निकलती है, और मीथेन वन ऑफ द हमारी क्या है, भूमि का ताप बढ़ाने में वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैव प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया ना लाइकेन्स वाला, कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक मतलब बायो इंडिकेटर का उदाहरण क्या है, लाइकेन्स है। धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड्स के बीच में।
कौन जल निकास के पोषण तत्वों के संवर्धन की घटना है तथा यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, उसको बोलते हैं सुपोषण। पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, क्या? सौर ऊर्जा। द्वितीय प्रदूषक है स्मॉग। स्मॉग क्या है? एक तरीके का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है साइक्लोन डिवाइजर। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? मतलब कि मान लीजिए जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में डालते हैं, वो बह के हमारे किसी पड़ोस के तालाब में जा रहे हैं और वहां पर मतलब कि बिल्कुल भयंकर तरीके से ग्रोथ हो रही है अब पेड़ पौधों की, तो वो सब इस चीज को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि दहन मूल स्रोत है किसके? वायु प्रदूषण का। वायु भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। परिवहन खंड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रीजन है। दिल्ली वगैरह में तो भाई ट्रांसपोर्टेशन में इतने लंबे लंबे जाम लगते हैं, लोग गाड़ियां अपनी बंद नहीं करते, इतना पोल्यूशन तब होता ही है, इतना ऑयल की भी बर्बादी है। लेकिन क्या है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना, फिर भी दिल्ली में तो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बाकी मैं अपने कानपुर के देखूँ यहाँ भी अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, नहीं तो यहाँ तो बड़े वाले टेम्पो चलते हैं, भयंकर उनसे वो निकलता था धुआं। उसके बाद फिर सीएनजी आया, फिर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन वही है कि इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है। भारत के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है क्या? अम्ल वर्षा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है कौन? आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा क्या होगा? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नीकरण मतलब विग्रेडेशन, क्या लिखा है? विग्रेडेबल, वी नहीं होता, डिग्रेडेबल होगा। निम्नीकरण प्रदूषक है क्या? घरेलू वाहित मल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को कहते हैं खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता, अशोक, ठीक है, अशोक वगैरह। मतलब कहा जाता है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए अच्छे वृक्ष हैं। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन का कारण है जेट उड़ान। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजोनिक, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटित प्रदूषक है कौन? सीवेज। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रण करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स, ठीक है। इंडिया में भारत चलता है, भारत स्टेज वन, भारत स्टेज टू, तो ये यूरो नॉर्म्स कहाँ चलते हैं? ये यूरो नॉर्म्स चलते हैं यूरोप में, तो एक तरीके से हमने कॉपी पेस्ट ही मारा है उनका, वहाँ यूरो नॉर्म्स चलते हैं, इसी तरह हमने भारत स्टेज वन टू थ्री फोर फिर फाइव स्किप करके हम सीधा सिक्स पे आ गए हैं। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहा जा रहा है फ्यूचर का हमारा एनर्जी रिसोर्स कह लीजिए, तो हाइड्रोजन में बहुत अच्छी खासी रिसर्च हो रही है, इंडिया ने भी इस पे अपने कदम उठाए हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या? मृदा जल एवं वायु प्रदूषण। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है IQAIS के अनुसार 2019 में गाजियाबाद था, ठीक है। लेकिन अब ये करंट अफेयर्स में इस टाइप का हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है, आप उस रिपोर्ट को ही बेसिस पे जाना। नीति आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, UNDP देता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP भी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देता रहता है, WHO देता रहता है, तो वो जो रिपोर्ट्स है उसको पढ़ के जाएं। ये उस अब 2009 का क्वेश्चन है, ये किसी 2019 का उन्होंने आंसर दिया है, तो हर साल कोई ना कोई बदलता रहता है। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविशाल धातु प्रदूषण है वह है लेड। जैव निम्नीकरण है सीवेज। प्रदूषक संकेतक पौधा है कौन? लाइकेन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक, ठीक है ना, वायु इंडिकेटर का कार्य कौन करता है? लाइकेन। फिर से रिपीट हो रहा है। रुधिर वर्षा होती कहाँ? इटली में, ब्लड रेन। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी जल क्षेत्र में BOD के अधिकतम संकेतक देती है उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। प्रदूषक और प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कैंसर क्रिएट करते हैं।
धूलकण ये श्वास संबंधी रोग क्रिएट करते हैं, और जो शीशा है ये हमारे केंद्रीय नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। लेड ऊर्जा का वह सॉरी ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है वह है सौर। NAQI से तात्पर्य है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन है, वह पश्चिमी घाट। पशुओं को दिया जाने वाला वह दर्द निवारक जो भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, वह है डिक्लोफिलिक। पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजाति विविधता सापेक्षता कम अधिक होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 22 मई को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आद भूमि संरक्षण से। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, विंध्य हमारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट माना जाता है किसको, अंडमान और निकोबार को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, ये सब हमारे क्या है हॉटस्पॉट है इंडिया के। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा, वह है पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, साइलेंट वैली में। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डेटा बुक। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 के द्वारा, दिसंबर 2002 में, ठीक है, बहुत बार आया। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। किसका, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी, ये कहाँ है मुख्यालय इसका, चेन्नई में। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक आवासी विनाश, ठीक है, जो हैबिटाट यदि वो जब खत्म होने लगता है किसी भी तो उससे हमारी जो जैव विविधता है वो डेंजरस हो जाती है, उसको दिक्कत हो सकती है। ब्रह्म कमल प्रकृति रूप से पाया जाता है कहाँ, फूलों की घाटी में। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था 2011 से 2020 को, ठीक है, 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। चैप्टर नंबर 7 ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर इफेक्ट। एक हरित गैस नहीं है कौन, ऑक्सीजन एक हरित गैस नहीं है। 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन कौन था, तो चीन है। 2022 में भी चीन ही है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्ति उत्तेज होता है क्या, पैन। क्या होता है पैन का फुल फॉर्म, पैरा एसीटाइल नाइट्रेट। धान के खेतों में एवं दीमक की बामे से उत्सर्जित होता है क्या, होता है मीथेन उत्सर्जित होता है। हरित गृह प्रभाव है वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है कौन, हाइड्रोजन। हरित गैस प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गैस प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। सर्वित्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है चीन।
विश्व की हरित गैसों में भारत का अभी भाग कितना है? लगभग 6.5%। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से प्रारंभ हो गया है मीथेन गैस का उत्सर्जन। नेक्स्ट है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? इसमें छिड़का जाता है सिल्वर लवण। नेक्स्ट है, क्लाइमेट चेंज विद ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू इट। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। किसकी? चक्रवात की, तूफान की, बवंडर वगैरह। तो ये पीछे 2018 का क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक सिद्धांत प्राप्त किया जाता है आइस आइस कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय ये कब जोड़ा गया था? 2011-12 में जोड़ा गया था। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, ये सभी कारक हैं किसके? जलवायु परिवर्तन के। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना बहुत बार आया है। प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना ये कब? 2008 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बहुत बार आया है। भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है क्या? नाभिकीय शक्ति। नेक्स्ट है, औद्योगिक देशों के समूहों में से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, हरित गृह गैस नहीं है कौन? ब्यूटेन। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की परत को नष्ट करने में योगदान देता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है क्लोरो फ्लोरोकार्बन सीएफसीज के द्वारा। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन को। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हेलो का पता लगाया था किसने? जी डब्ल्यू कैंट मूर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था एक ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। ओके, ओजोन परत की छिद्रता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है, ओजोन जिस सीमा में सौर विकिरण का अवशोषण करता हुआ सीमा है 240 से 280 नैनोमीटर। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है अक्टूबर नवंबर के मध्य। नेक्स्ट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स एनिमल। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1986 में। साइलेंट वैली स्थित है कहाँ? ये केरला में स्थित है। पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? देहरादून में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन है? रामनगर है। सामाजिक वानिकी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को। स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है वनस्पतिक बाग। वन ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि विकास। तो फॉरेस्ट काट काट के एग्रीकल्चर के लिए फील्ड बनाई जाती है वो भी एक रीजन है हमारे फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन का। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण करके। पस्की संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता वनों को काटना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है कहाँ? वन्य जीव हमारा भारत का वन्य जीव संस्थान ये है देहरादून में। विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। संरक्षित
कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया है। सेव का उद्देश्य है गिद्ध का संरक्षण करना। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। बहुउद्देशी वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। वह ड्रग जो गिद्धों की समिष्टि में हास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है वह है डिक्लोफेनिक सोडियम। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं लगभग 5%। ठीक है, पूरे विश्व के 5% वन्य जीव हमारे भारत में पाए जाते हैं। वह राज्य जहाँ की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा करी थी, तो ये हिमाचल प्रदेश है। वनों की कटाई करने वाला विश्व का प्रथम देश है कौन? नॉर्वे। कुछ गड़बड़ है, वनों की कटाई रोकने वाला होगा मेरे ख्याल से, एक बार देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा मुझे डाउट है। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त पाए पक्षी की प्रजाति है आजकल भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य, नौकरी कहाँ? ये मेघालय में है। मानस तो सबको पता है असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और अगस्त मलाई है केरल में। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क एवं अपस्थिति, इंद्रावती कहाँ? छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा में। हेमिस ये लद्दाख में है। वेतला ये पलामू झारखंड में है, और नेउरा घाटी है दार्जिलिंग असम में। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। वन्य जीव अभयारण्य और राज, नोकरेक मेघालय, मानस असम, अगस्त मलाई केरल, और देहांग देवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। द चीघम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उद्यान संबंधित है किसमें? कश्मीरी स्टैग, जिसको हम हंगुल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ये 2018 में आया था। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये बाघों के लिए फेमस है। कान्हा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है कहाँ? अभी हमने ऊपर देखा हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है क्या? जैव मंडल रिजर्व। बखीरा पक्षी विहार कहाँ? ये बस्ती में है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है कौन? कच्छ कारण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। ठीक, उस टाइम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है ये कंचनजंगा। ठीक है, ये भी देखिए करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था उस टाइम का। इसमें करंट का क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए जो करंट अफेयर मैगजीन होती है उसमें आजकल सेक्शन अच्छा खासा भर भर के देते हैं एनवायरमेंट वाले इशूज, और नेशनल पार्क या कोई चीज हो जाती है, कोई ट्रेजडी हो जाती है, कोई अवार्ड दिया जाता है किसी नेशनल पार्क को, तो आजकल ये सब खूब पूछा जाता है। स्टैटिक्स और डायनेमिक भी हमें बहुत अच्छे से करके जाना है। जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थल अधिसूचना किए हैं 35, अभी वर्तमान में 38 हो गए हैं। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडली निधि कौन है? मन्नार की खाड़ी है। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सीत मरुस्थल ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य कहाँ? मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये कच्छ की खाड़ी में है। नेक्स्ट है नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है कहाँ? मेघालय में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में है। भारत का ओशियन नेशनल पार्क है ये कच्छ में है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये सुल्तानगंज में है। भारत में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, राजा जी राष्ट्रीय पार्क को हमने टाइगर रिजर्व घोषित किया हुआ है। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह काजीरंगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? कर्नाटका में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस एक विश्व धरोहर जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है कहाँ? केरल में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का सरिस्का राजस्थान में है। अधिविवादित
बबली प्रोजेक्ट ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? दाम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। दो देशों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है? पेंच। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पेरियार से आपको याद हो जाएगा, केरल। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ? कर्नाटका में। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नौकरेक। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य और देश बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूजी अफगानिस्तान में है। से फोक सुंडो राष्ट्रीय पार्क के नेपाल में है। नागरी राष्ट्रीय पार्क के चाइना में है। और बम डेलिंग वन्यजीव अभयारण्य है भूटान में। जय मंडल भंडार और अवस्थिति नौकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त मलाई केरला। वन्यजीव अभयारण्य और राज नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, वंदीपुर कर्नाटका में, पेरियार केरल में, और लामजाओ ये हमारा फ्लोटिंग है वो मणिपुर में। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान और राज बंधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बंदीपुर कर्नाटका में। रोहिला हिमाचल प्रदेश में। और गिर गुजरात में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य द चीघम जम्मू एवं कश्मीर, पापीकोड़ा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान और बंदीपुर कर्नाटका। राष्ट्रीय पार्क और राज्य द चीघम जम्मू एवं कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बंदीपुर कर्नाटक में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 एनर्जी सोर्सेस की। तो जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है सौर सेल। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा। स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसमें नियमन हेतु युक्ति पूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है क्या? ग्रीन इंडिया 2047। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों में से पेट्रो पादप भी हैं करेज। बायोडीजल पौधा है कौन? रतन जोत। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा कौन? हाइड्रोजन। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित किया गया था। तो ये COP21 कहाँ करा गया था? पेरिस में किया गया था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? एम्स्टरडम में। 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21। एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास के क्षेत्र से। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया गया था 1997 में। वह अधिनियम जो भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था 1985 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहाँ? नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। दिन व माह घटना तो 22 मार्च को क्या हम मनाते हैं? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ये अभी 2021 पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है,
विश्व ओजोन दिवस, डायरेक्ट पूछ लिया गया था, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वह है प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम देने वाला है, वह है वर्षा के जल के संचयन। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं 200 मीटर की गहराई तक। जैविक मरुस्थल कहते हैं किसको, दामोदर नदी को। नेक्स्ट है मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून को। वह पदार्थ जो जैव अपघटन हेतु सर्वाधिक समय लेता है, तो अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, उसमें हड्डी था जो बहुत ज्यादा समय लेगा गलने में। हरित पादप ये उत्पादक हैं, पशु परजीवी ये द्वितीय उपभोक्ता हैं, पादप परजीवी ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, कवक फंगाई क्या है, एक अपघटक। भारत सरकार ने के नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की जाएगी, कहाँ, चेन्नई में। वह जानवर जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, वह है कंगारू चूहा। ठीक है, यूपी से 2018 में क्वेश्चन आया था। तो एनसी नरेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत क्या कहलाते हैं, संपोषणीय विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए विषय क्या था, छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इस तरह हमें याद करना पड़ेगा थीम, विषय बोले तो थीम। तो कॉप अभी 27 हुआ है ना, 6 हुआ है, 26 हुआ है, तो इसका हमें अभी विषय याद करना पड़ेगा। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है कहाँ, गोवा में। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। ठीक है, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। नेक्स्ट है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीवी कौन है, साइनो बैक्टीरिया है। हेलिस्टोथर्म पौधे जो हैं, जो उगते हैं बहुत कम ताप पर, हैकी स्टोथर्म जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना, ये तीनों आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु, सॉरी संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था मार्च 21, 1994 को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी बदशा। ठीक है, फुटप्रिंट्स रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ इन वर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक पूछा गया 2016 को, तो इतना पुराना याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जब नई रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था, वह ला नीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है, 20 है। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है, वह है मसाई। दी लोनली प्लैनेट ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्य जीव गंतव्य का पुरस्कार, अब ये देखिए मध्य प्रदेश को दिया गया पुरस्कार दिया है, तो जो भी लेटेस्ट न्यूज है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मॉडर्न में मतलब जो डायनेमिक पोर्शन बहुत होता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ था, वह अफगानिस्तान में स्थित है किस जगह, हेरात प्रांत में। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। गौरी देवी सिपको आंदोलन से रिलेटेड है, पारिस्थितिकी टर्म क्वाइन किया था। ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर्स की स्टडी करते हैं, और पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। समझौते और विषय वस्तु कार्टेजोना प्रोटोकॉल में हम बायो सेफ्टी की बात करते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन में अनवरत जैविक प्रदूषण की बात करते हैं,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत को के विषय में बात होती है, और क्योटो प्रोटोकॉल में हम हरित गृह प्रभाव की बात करते हैं। घटनाएं और वर्ष: वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता में से कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। छोटा सेक्शन था लेकिन पूछा बहुत जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।